हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ इस तरीके का लोड यान क्रिएट करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना बातचीत किए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इलिप्स टूल पे क्लिक करेंगे जिसका शॉर्टकट की है F7, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ इस तरीके से ड्रा कर लेना हम लोग को। और उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कुछ इतना, और इसका भी कॉपी लेंगे। तो आपको तो फ्रेंड्स हर वीडियो में बताते आ रहे हैं कि कीबोर्ड से कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर सकते हैं, नहीं तो एक शॉर्टकट की है इसका डुप्लीकेट करने का, वो न्यूमेरिक प्लस के तरफ एक प्लस की है उस पर प्रेस करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। अब वहीं से हम कर रहे हैं, देखिए ये कॉपी हो गया। अब इसको क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ थोड़ा सा छोटा करेंगे, बस इतना सा, और कीबोर्ड से एरो बटन, अप बटन और राइट एरो कुछ इस तरीके से हम लोग करेंगे उसी से, कुछ इस प्रकार से। और अभी क्या करेंगे, स्मार्ट फिल टूल लेंगे और यहाँ से हम लोग इसमें कलर फिल कर देंगे। उसके बाद अंदर वाला जो सर्कल है इसको हम लोग डिलीट कर देंगे, और बाहर वाला सर्कल को रखेंगे। और क्या करेंगे, इस वाले में जो कलर फिल किए इस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो ये रोटेट का जो ये सर्कल में ऑप्शन आ रहा है इसको हम लोग इसमें सेंटर में रख लेंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि बाद में रोटेट करने की ज़रूरत पड़ता है तो फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसी कारण सेंटर में रख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल टूल लेंगे जिसका शॉर्टकट की है F6, और इस तरीके से बिना कंट्रोल दबाए हम लोग इतना ड्रा कर लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद क्या करेंगे, इलिप्स टूल लेंगे जिसका शॉर्टकट की है F10, और इस तरीके से राउंड कॉर्नर करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके इधर ड्रा कर लेंगे नीचे के साइड, तो ये क्या होगा, राउंड कॉर्नर हो गया। अभी ये इसका एक कॉपी लेंगे और इसको क्या करेंगे, अभी 45 डिग्री पर रोटेट करना है तो यहाँ से हम लोग 45 डिग्री टाइप कर लेंगे, तो इस तरीके से हो गया। अब इसका एक फिर और कॉपी लेंगे और कंट्रोल दबाए रखेंगे, और इस वाले नोट से इस तरीके से हम लोग इतना कर लेंगे, और यहाँ हम थोड़ा सा जूम कर रहे हैं आप लोग को बताने के लिए। यहाँ आने के बाद कुछ इस तरीके का नोट दिखेगा तो कंट्रोल दबाए रखना है, और इस तरीके से हमको इस वाले नोट में ला के अटैच कर देंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद इसको इधर एडजस्ट करना है कुछ इस तरीके से कीबोर्ड से एरो बटन से, और इसको एक और कॉपी लेके इधर शिफ्ट करना है कुछ इस तरीके से। अब क्या करेंगे, इसका एक और कॉपी लेंगे और इसको छोटा कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और इधर ऊपर की ओर इधर लाएंगे और इसको छोटा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब क्या करेंगे, ये सारे को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे बेल्ड, तो ये अभी एक ही शेप में कन्वर्ट हो गया, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल टूल फिर से लेंगे और यहाँ छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, इतना इतना कंट्रोल दबाए रखना है तो क्या होगा, ये इस तरीके से रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। और अभी क्या है, इसका फिर से एक कॉपी लेंगे और कीबोर्ड से राइट एरो दो बार प्रेस करेंगे तो इतना जगह स्पेस इधर खाली हो जाएगा, उसी प्रकार इसका एक कॉपी लेंगे फिर से और इधर कंट्रोल दबा के इधर इतना कर लेंगे, और फिर नीचे वाले डाउन एरो दो बार क्लिक करेंगे तो ये नीचे चला आया अभी इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, शेप टूल लेंगे और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इसको राउंड कर लेंगे। आप थोड़ा सा पहले करना था इतना, बट कोई बात नहीं है, इतना राउंड कर लेंगे हम लोग। उसके बाद फिर से रेक्टेंगल टूल लेंगे और यहाँ से हम लोग इधर ड्रा कर लेंगे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। सारे में हम लोग चाहे तो कलर फिल कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं करेंगे, और इसको क्या करेंगे, इधर एडजस्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कुछ इतना, और पहले इसको है ना अभी कंट्रोल जी कर देते हैं तो क्या होगा, ग्रुप हो जाएगा तो अलग अलहदा नहीं होगा इस तरीके से। अब हम लोग इसमें एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसको। और क्या करेंगे, अभी इसका एक और कॉपी लेंगे घर का और इधर रखेंगे हम लोग इतना। यहाँ से हम लोग इसमें भी कलर को हटा लेते हैं, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे इस वाले कॉर्नर में यहाँ पे कलर के ऊपर, तो क्या होगा, अभी इसका कलर रिमूव हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप शैडो में जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे कंट्रोल टूल, और कुछ इस तरीके से हम लोग इसका एक बाहर साइड इधर ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ फ्रेंड्स अगर प्रॉपर्टी बार में देखे तो यहाँ पर हम 1 रखे हुए हैं, तब ये 1 इस तरीके से आया है, अगर हम लोग 5 कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, लेकिन हमको 1 चाहिए।
तो एक ही टाइप कर लेंगे और इंटर कर देंगे, और इसका साइज हम लोग कम थोड़ा सा और कम करते हैं, बट इतना सही है। और हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी जो साइज दिए इतना फैलाए, इसको यहाँ से सेलेक्ट करके इस कंट्रोल सी कर लेंगे और कॉपी कर लेंगे, और इसमें वही करना है हमको, बाहर की साइड करना है और वही पेस्ट कर देंगे। तो क्या होगा, एक ही इतना ही एरिया इसमें और इसमें बचेगा। और हम लोग फिर से स्मार्ट फिल टूल लेंगे और इसमें हम लोग कलर फिट कर देंगे कुछ इस तरीके से। और अभी फिर से क्या करेंगे, अब क्या है यहाँ ये जो शेप है ये डबल डबल बन गया, तो हमको सिंगल करना है। तो उसके लिए ब्रेक के पार्ट करेंगे फ्रेंड्स, तो कंट्रोल के साथ के करेंगे सेलेक्ट करके, तो ब्रेक के पार्ट हो गया। इसको भी देखिए ये दोनों साथ में जा रहा है, जिधर भी उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल के सेलेक्ट करके कंट्रोल के करेंगे तो ब्रेक के पार्ट हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले को डिलीट कर देंगे कुछ इस तरीके से। और अभी इसमें हम लोग कलर फिल करना बाकी कर देते हैं, इसमें हम लोग स्मार्ट फिल टूल से कलर फिल कर देंगे, और ये सब कुछ चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इधर हम लोग कलर फिल कर लेंगे कुछ इस तरीके से फटाफट, और इसको कंट्रोल के साथ के करेंगे तो ब्रेक के पार्ट हो जाएगा, इसको डिलीट कर देंगे। अब ये सब को भी डिलीट कर सकते हैं, इसमें हम लोग कलर फिल कर लेंगे कुछ भी। इतना बताया, उम्मीद है कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो एंड तक देखिएगा। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, पत्ता बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ से पेन टूल लेंगे और कुछ इस तरीके से हम लोग इस तरीके से ड्रा करके यहाँ से फिर से एक बार क्लिक कर देंगे, और फिर से शेप टूल लेंगे और इसको इस वाले नोड को सेलेक्ट करेंगे इधर से, और टू कर्व कर देंगे यहाँ से, और कुछ इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। इतना कर लेंगे थोड़ा सा और कम, और फिर इधर इसको सेलेक्ट करेंगे इस वाले नोड को और यहाँ से टू कर्व कर देंगे, कुछ इस तरीके से बन जाएगा आप लोग के सामने। ये सब क्या फ्रेंड्स, जितना मेहनत कीजिएगा आपका उतना ही क्लियर होता चला जाएगा। आप हमसे बेटर डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका एक कॉपी लेंगे यहाँ से और इसको इधर रख लेंगे। इसका आउटलाइन यहाँ से रिमूव कर लेते हैं राइट क्लिक करके। अब यहाँ क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा इसको, जिस तरीके से रोटेट करेंगे हम लोग इतना और इस तरीके से। अब क्या करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, फ्रंट माइनस बैक कर देंगे, तो इस तरीके से पत्ता का ये शेप बन गया अभी। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका आउटलाइन यहाँ से रिमूव कर देंगे, और इसमें हम लोग इस तरीके से थोड़ा सा रोटेट करेंगे और एडजस्ट कर लेंगे, फटाफट कर लेते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके कुछ इस तरीके से। इसका एक और कॉपी कर लेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से, जितना चाहे उतना रोटेट कर सकते हैं शेप क्रिएट करने के लिए। इसको और रोटेट करना है, फिर से इसका एक और कॉपी लेंगे हम लोग और इधर कुछ इस तरीके से कर लेना है। और क्या करेंगे, ये सब को तीनों को सेलेक्ट करेंगे, पत्तियाँ को और ये जो सर्कल को, उसको सेलेक्ट करके यहाँ से वेल्ड कर देंगे। तो ये दोनों क्या हो गया, सारा अटैच हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मून बनाएंगे, तो एलिप्स टूल लेंगे जिसका शॉर्टकट की है F7, और इस तरीके से हम लोग बना लेंगे और इसमें कलर फिल कर लेंगे येल्लो, थोड़ा सा रेड स्टोन डालते हैं इसमें कुछ इतना। और हम लोग अभी पेंट टूल लेके चिड़िया टाइप का बनाएंगे, अब हम लोग इस तरीके से। फ्रेंड्स ये चैनल पे आप लोग को सिर्फ हिंदी ट्यूटोरियल ही मिलेगा, कुछ इस तरीके से कर लेना है। और क्या करेंगे, यहाँ पे अभी क्या है, इधर कर्व बन के आ रहा है, तो हमको कर्व नहीं चाहिए, डायरेक्ट लाइन चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग अल्ट प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ इस वाले नोट पे क्लिक कर देंगे, तो ये भी इस तरीके से हो जाएगा। और हम लोग इस तरीके से भी कर देंगे कुछ इस तरीके से, और फिर से अल्ट प्रेस कर देंगे यहाँ पे, और उसमें अभी हम लोग ब्लैक कलर फिल कर लेते हैं और इसका आउटलाइन रिमूव कर लेंगे और इस तरीके से थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हम लोग इसमें थोड़ा सा कलर को फटाफट एडजस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स इसको भी क्या करना है, हम लोग को PNG फाइल में यहाँ से करल ड्रॉ से सेव करना है। अभी इसको मूकअप करना है फ्रेंड्स, तो अभी थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लेट होगा, तो धैर्य बना के वीडियो में बने रहें इस वीडियो में।
उसके बाद हम लोग कंट्रोल के साथ ई प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा यहाँ से कॉरल ड्रॉ से। तो हम लोग इसका कुछ नेम रख लेते हैं यहाँ से, चाहे तो नेचुरल रख लेते हैं, और यहाँ से PNG फाइल में फॉर्मेट में यहाँ से सेव कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और एक्सटेंशन फाइल डेस्कटॉप रखते हैं ताकि डेस्कटॉप में जाके सेव हो जाए अभी। और यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो एक और डायलॉग बॉक्स आएगा अभी, और यहाँ से ओके कर देंगे तो अब ये सेव हो गया। अगर मेरे चैनल पर मुकअप का जो फुल ट्यूटोरियल बताए थे अगर वो नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग फाइल में चले जाएंगे और डाउनलोड में फिर से हम लोग मुकअप जो डाउनलोड करके रखे हुए हैं उसको ओपन करेगा यहाँ से इस तरीके। जब आप लोग मुकअप का फाइल डाउनलोड कीजिएगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा उसका फाइल इस तरीके से, और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद ओपन विद पे जाएंगे और यहाँ से विंडोज़ एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो हम लोग PS वाले फाइल को ओपन करेंगे तो ये कहाँ फोटोशॉप में भी खुलेगा कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर उतना हाई लेवल का ग्रेड नहीं किया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर वो वाला जो कॉरल ड्रॉ से PNG सेव किए थे उसको फाइल को ले लेंगे यहाँ से, डेस्कटॉप में होगा, और इसको ओपन कर लेंगे यहाँ पे। और अभी क्या करना है, इस वाले लेयर पे क्लिक करेंगे फोटोशॉप में और इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा कुछ बन रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट टाइप का, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है इसको। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये भी PNG फॉर्मेट में ऑन हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, अपना फाइल को यहाँ से पिक टूल पे इस तरीके से ड्रैग करके ले जाएंगे और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे कुछ तरीके से। अभी क्या है, कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं इसको सेंटर में। अब क्या है, नीचे वाले को हाइड कर देंगे तो यहाँ आइज का कुछ आइकन दिख रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी हाइड हो गया नीचे वाले। अब यहाँ से हम लोग एक एक करके यहाँ से कट करते जाएंगे तो अब यहाँ पे यस करेंगे हम लोग तो थोड़ा सा प्रोसेस होगा। और इस वाले पे फुल्ली जो हम लोग बनाए थे उसको कट करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा आप लोग के सामने। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो वही बात पे आप लोग लाइक शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा, और ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।